I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. तेरी तो ए धापी से धाप धाप बोल रहा हूँ गाड़ी पीछे ले ले चल। अरे बोल मत धापी से धाप। तेरी तो शिंदे बाप लगता है तो कोई पीछे ले पीछे ले पीछे ले। तुम्हारे अरेस्ट होने की खबर सुनते ही सिद्धू साहब फौरन यहाँ चले आए। ड्राइवर ने उन्हें बताया कि तुम गुस्से में अकेले गाड़ी लेकर कहीं चले गए हो। उनका माथा ठनका और थैंक और वो ठीक वक्त पर तुम्हारे पास आ पहुंचे। दिल करता है उन सालों को गोली से उड़ा दूं। गोलियां तो मैंने बहुत चलाई हैं पुत्र, खून भी बहुत बहा है, यही सोच के कि मैं इंसाफ कर रहा हूं और मैं गलत था। गोली से तो आदमी मरता है, समस्या नहीं मरती। तो फिर क्या करें, छोड़ दें उन खूनियों को ताकि किसी और रश्मि सानी का खून कर सके। छोड़ें क्यों, पर इंसाफ तो पुत्र तभी मिलेगा जब अपराधियों को सारी दुनिया के सामने कानूनी तौर पर सजा मिले। पुलिस उनकी, सरकार उनकी, अदालत ने तो उन्हें छोड़ दिया। और ये गायकवाड़ तो रावण है, 10 सर और 20 हाथ वाला राक्षस। आवाम के करोड़ों हाथ होते हैं बीबी, एक बार आवाम जाग जाएगा ना तो हर दिन दशहरा होगा और हर नुक्कड़ पे ऐसे रावण जलाए जाएंगे। अशफाक, अब रश्मि सानी का केस आवाम लड़ेगी। हल्ला बोल। आप क्यों अपना घर तोड़वा रहे हैं? कितने प्यार से बनवाया था आपने। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता चड्ढा, नहीं रह पाऊंगा। ऐसा क्या कर दिया समीर खान ने? समीर खान तो पागल हो गया। गायकवाड़ सड़क पर उतरा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ। नहीं तो डैमेज कर देगा ये। हाँ अभी बात करवाता हूँ। जीजा जी, दिल्ली से पार्टी हाई कमान। हाँ हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्ते श्रीमान, बोलिए। सुना है समीर खान नुक्कड़ नाटक कर रहा है, कहीं रश्मि मर्डर केस को तो नहीं उछाल रहा है? नहीं 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 श्रीमान, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये नाटक वाटक कुछ नहीं होगा, आप चिंता न करें, मैं बैठा हूँ ना। ज्यादा दिन नहीं बैठ पाएंगे, रश्मि मर्डर केस की वजह से पार्टी की छवि काफी खराब हो चुकी है। कुछ भी कीजिए, ये नुक्कड़ नाटक रोकिए। जी श्रीमान। क्या हुआ जीजा जी, डांट रहे थे आपको, इस्तीफा मांग लिया? शट अप। ये नाटक नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ये नाटक। और ये सिद्धू है कौन? है कौन है ये? समीर का साथ क्यों दे रहा है ये? गायकवाड़ चाणक्य है ना तुम्हारे साथ? देखता हूँ पहचानता नहीं वो अभी तक मेरे को पहचानता नहीं। अरे तुम चिंता मत करो नागराजन, तुम क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना इधर, मैं सब संभाल लूंगा। आप बिल्कुल एसिड फेंकेगा उसके थोपड़े पे मैं, हाँ कातड़ी करके वो कुतरे को खिलाएगा मैं कुतरे को। गायकवाड़ मैंने अच्छे अच्छों को शीशे में उतार दिया है। अरे सिद्धू चीज ही क्या है, बच्चे की तरह घुमा दूंगा उसको। सर सिद्धू जी को लेके आ गया। हमारा नाम इंद्रजीत चड्ढा है, हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। पूछो किससे? हमसे। हम वो हैं जो इस शहर में कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी से मतलब कुछ भी, समझ रहे हो ना? वो गंजा देख रहे हो, मिस्टर लाल ठाकुर, एक मामूली कस्टम ऑफिसर। बाहर से जब भी हमारा कंसाइनमेंट आता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और हमने उनकी किस्मत खोल दी। और वो जो पानी में तैर रहा है वो अशोकपुरे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तनख्वाह सरकार से लेते हैं और काम हमारे लिए करते हैं और मैच करते हैं हमारे साथ। बस यूं समझ लो कि हमारी दोस्ती एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, LIC से बढ़कर। जो हमारे काम आते हैं वो खुशहाल हो जाते हैं और जो नहीं आते वो फिर किसी को नजर भी नहीं आते। अब इस समीर अमीर का नाटक छोड़िए। हाँ हमें तो ये बताइए आपको कितना कैश चाहिए और कहाँ चाहिए, हम पहुंचा देंगे। जी अब सोच क्या रहे हैं, कपड़े उतारिए और पानी में कूद जाइए। वो देखिए वो जल परियां आपका इंतजार कर रही हैं। जाइए जाइए जाइए। अले 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 अजे जे 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 अब होगा अपने बिहार का। यह मुंबई है, 2 दिन में एनकाउंटर करा दूंगा। 20 साल राज किया है उसने इन बिहड़न में। 3 स्टेट की पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाई। थर थर कांपता था पूरा इलाका उसके नाम से। एनकाउंटर। हेलो गायकवाड़ साहब से बात कराओ। हाँ यही है, अभी बात कराता हूँ। जीजा जी दिल्ली से हाई कमान। बोल दो मैं नहीं हूँ। वो कह रहे हैं कि वो है नहीं। hey! क्या कर रहा है? हेलो गायकवाड़। हाँ बोलिए। नाटक का क्या हुआ? नहीं वो नहीं होगा। नो प्ले होना भी नहीं चाहिए। माय गारंटी। कुछ भी कीजिए ये नुक्कड़ नाटक रोकिए। इस्तीफा मांग लिया क्या? ओह कोई इसका एनकाउंटर करो यार। जी यू आर अ मिनिस्टर गायकवाड़। ट्रैफिक परमिशन, म्यूनिसिपल परमिशन, पुलिस परमिशन, सरकार के कितने फॉर्मेलिटीज है। किसी भी एक में अटका दो सालों को। वो कोशिश करके भी देख ली। लीगली वी कांट स्टॉप देम। और सालों ने डेट भी चुनी है तो 2 अक्टूबर। सिर्फ 3 दिन रह गए। एक नया मोर्चा खोलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है चल कोई बात नहीं। क्या हुआ? पुलिस ने किसी भी तरह का प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया है। कोई बात नहीं, अपने वॉलंटियर्स तो होंगे वहां। हाँ अपने वॉलंटियर्स तो हैं और 2 अक्टूबर छुट्टी का दिन है। तू इस शहर की सड़क पे पहली बार उतरेगा, बहुत भीड़ होगी। वो गायकवाड़ उस भीड़ का फायदा उठा सकता है। आशु देखो ये। दादा आप। सुमीर बेटे बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ? सुबह नंदिनी मेरी पोती ऑफिस गई, उसने मुझे टेलीफोन किया। उसे पुरानी हार्ड डिस्क मिली जिसमें रश्मि साइनी का पूरा केस और असली फॉरेंसिक रिपोर्ट थी जिसमें वो गोलियां और पिस्टल मैच करते हैं। लगता है फोन टैप था। वो तुमको बताने निकली, रास्ते में उसे किसी ने उठा लिया। ये तिवारी करके आदमी का टेलीफोन आया कि रिपोर्ट दे जाओ और नंदिनी को ले जाओ। ये उसने एड्रेस दिया है। दादा आप फिक्र मत कीजिए, मैं ले आऊँगा उन्हें। आप आराम कीजिए, ले जाऊँगा। आइए। मैं जाता हूँ। ये तिवारी बहुत खतरनाक। जानता हूँ, ये कभी मेरा साथी हुआ करता था। मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं पुत्र, तेरा 2 अक्टूबर को सड़क पर उतरना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको अकेले जाने। कुछ नहीं होगा पुत्र, रब रखा। ए छोरी, बताया देना रिपोर्ट कहाँ है। तेरा बाबा आ रहा है, काट के चढ़ाए देंगे। बताए दे रिपोर्ट कहाँ है। सिद्धू, आवा आवा, बुढ़ाए गए हो सिद्धू। हाँ, तू भी तो अद्धा ही रह गया है। और कैसे हो? बस, नींद बड़ी अच्छी आती है। ऐसे मिलेंगे बरसों बाद, सोचे नहीं था। अफसोस तो मुझे भी है। लड़की पे हाथ उठा दिया तूने। ओए, कभी तू मर्द हुआ करता था तिवारी। चल बेटी। हेलो, रब का वास्ता हुए, मुझे खून बहाने पे मजबूर न कर। अरे तू क्या खून बहाएगा, तू तो कब का हथियार डाल चुका है। हथियार जरूर डाल चुका हूं, चलाना अभी भी याद है। चल पुत्र। ओरिजिनल फॉरेंसिक रिपोर्ट, जिससे साबित होता है कि असली पिस्तौल और असली रिपोर्ट बदली गई थी। सर जरा दिखाइए, मैं भी तो देखूं ये रिपोर्ट कितनी असली है। अब आपके डिपार्टमेंट की इज्जत आपके हाथ में है कमिश्नर साहब। वो पिस्तौल चलो जहां कहीं भी है, निकलवाइए। ये काम जरूर आपके ही डिपार्टमेंट में से किसी का है। राठौड़, ये क्या कर रहे हो? कोई गल नहीं, कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं। लो थोड़ा पानी पी लो, पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो। बस, उन्हें थल्ले चला जाए। कमिश्नर साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का कितना कुछ सर्कुलेशन होगा? होगा कोई 20-1 लाख। क्यों? नहीं, सोच रहा था कि 20 लाख कापियाँ अकेले राठौड़ साहब खाएंगे, आपका पूरा डिपार्टमेंट खाएगा। कल तक अगर असली पिस्तौल बाहर नहीं आती तो परसों के हर अखबार में यह रिपोर्ट छप जाएगी। कल रात अचानक समीर खान मेरे फ्लैट आ पहुंचे, नशे में धुत। मुझसे जबरदस्ती करने लगे, कहने लगे कि मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। मैंने उन्हें बहुत समझाया, कहा कि मैं एक संस्कारी हिंदू लड़की हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो वो गुस्से में आ गए और मेरे कपड़े फाड़ने लग गए और मैं किसी भी तरह वहां से अपनी इज्जत बचा के भाग निकली। What a performance! बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है लड़की। डायलॉग तो सब चड्ढा साहब ने लिखे हैं। सीन तो आप ही का था जनाब। ये समीर उर्फ अशफाक खान, इसको हमने सर पे बिठाया, इसकी फिल्में हिट करवाई और इसने हमारे हिंदू बहन की इज्जत पे हाथ डाला। पिछले एक घंटे से आप यही कह रहे कमिश्नर साहब, कब आएगी पुलिस? हमारी सिक्योरिटी को घायल कर दिया उन्होंने। मॉब इज गेटिंग वायलेंट, कभी भी घुस सकते हैं आप अंदर। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, किसी को तो भेजिए। कोई फायदा नहीं, सिद्धू साहब को भी इसी वक्त जाना। पापा, 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 पापा। For exclusive classic movies, download Shemaroo Me app now.